फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के 2025 के सबसे बड़े धमाकों के बारे में। कल गाइस यहां पर खेल खेल में के प्रमोशंस के दौरान अक्षय कुमार ने उनके आने वाली जितनी भी बड़ी सीक्वल्स है उनके बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो आज के एपिसोड में वो डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अक्षय कुमार क्या हो रहा है मेरा भाई। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉली LLB तृतीय के साथ। गाइस, थर्ड पार्ट जब भी कोई फिल्म का आता है वो काफी ज्यादा डाइसी होता है, बहुत सारी उम्मीदें होती है उस फिल्म को लेकर। एंड जब आपके फिल्म में अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार यानी कि जॉली LLB 1 जॉली LLB 2 दोनों हो एंड साथ में सौरभ शुक्ला हो, दैट इज एन एब्सोल्यूट कंफर्मेशन कि ये फिल्म चलनी ही चलनी है बॉक्स ऑफिस पे। दोनों की कॉमिक टाइमिंग ले लो, दोनों के ड्रामेटिक सीन्स ले लो, अगर ये फेस ऑफ चल गया गाइस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी भागेगी। एंड सीक्वल का एडवांटेज हमेशा फिल्म को रहता है, चाहे वो सेकंड पार्ट हो एंड थर्ड पार्ट पे तो और सोने पर सुहागा। तो गाइस, सभी लोगों को पता है कि ये फिल्म जो है इसकी शूटिंग जो है समाप्त हो गई है। अक्षय कुमार ने कहा है कि मेरी फिल्म जॉली LLB 3 जो है उसकी शूटिंग समाप्त हो गई है लेकिन अभी गाने शूट होना बाकी है। तो गाइस, जॉली LLB 3 के लिए अक्षय कुमार गाने शूट करेंगे, उसके बाद ये फिल्म जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब गाइस बात करते हैं मम्मा मिया आई एम जो किंग पास्ता यानी कि हाउसफुल 5 के बारे में, विद द इंक्लूजन ऑफ यू नो फरदीन खान ओवर हियर, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, यू नो ह्यूज एनसेंबल स्टार कास्ट इंक्लूडिंग संजू बाबा। ये फिल्म हॉट प्रॉपर्टी है गाइस एंड ये फ्लोर्स पर जाने वाली है सितंबर के महीने में। तो अगर अक्षय कुमार ने कहा है हाउसफुल 5 अगले महीने शूटिंग शुरू हो रही है सितंबर में। हाउसफुल 5 की शूटिंग है वो यूनाइटेड किंगडम में जो शुरू होने वाली है, यहाँ पर गाइस लाइव क्रूज जो है उस पर शूट होगी। किस तरह से सारे के सारे लोग एक क्रूज में फंस जाते हैं, क्रूज फुल हो जाता है, इसी की ये कहानी ये फिल्म है। एंड गाइस यहाँ पर सेट्स जो है वो भी इस फिल्म के लिए लगने वाले हैं। अब गाइस, अब बात करते हैं वेलकम टू द जंगल के बारे में। अब ये फिल्म कुछ ना कुछ तकलीफों से गुजर ही रही है एंड डेफिनेटली दिसंबर तक बनके तैयार होगी नहीं, इनफैक्ट अभी ये फिल्म शायद 2025 के जून के बाद रिलीज हो, समर में भी नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार ने इस फिल्म का जितना परसेंटेज जो है फिल्म का कंप्लीट हुआ है वो हमारे सामने रखा है। अक्षय कुमार ने कहा है कि वेलकम टू द जंगल जो है सिर्फ 40% खत्म हुई है, नॉट 90% ओनली 40%। तो बहुत ज्यादा शूटिंग बाकी है, अहमद खान ने कुछ नहीं के बराबर ही शूट किया है अभी तक। क्या होगा इस फिल्म का एक अलग विषय है, लेकिन अक्षय कुमार ने कहा 40% जो है शूटिंग हो चुकी है। एंड सबसे बड़ा प्रश्न हेरा फेरी 3 का क्या मुहूर्त शॉट था, वो वीडियो ही अगर रिलीज कर दिए होते थे ना तो उसकी एक्साइटमेंट ही आगे तक चली गई होती थी। बाबूराव श्याम और राजू का जो वीडियो शूट किया गया था, आई होप दे रिलीज इट सम टाइम। लेकिन अब गाइस अक्षय कुमार ने कहा है वी आर येट टू स्टार्ट शूटिंग हेरा फेरी 3, आई होप इट बिगिंस सून। अक्षय कुमार ने कहा है कि अब तक शूटिंग शुरू नहीं हुई है, उम्मीद करता हूँ कि फिल्म आगे बढ़ जाए। कल हमने डिस्कस किया किस तरह से सोशल मीडिया पर यहाँ पर तिरंगा की रीमेक को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। तो नीरेंद्र हिरावत जो है यानी कि HZ स्टूडियोज के जो कर्ता धरता है, उन्होंने कहा यहाँ पर NZ स्टूडियो अभी और भाई NZ हो कि HZ हो, उन्होंने कहा कि श्री अक्षय कुमार जी ने हमारे साथ फिल्म जो है वो साइन की है लेकिन वो तिरंगा का रीमेक नहीं है, वो ओरिजिनल सब्जेक्ट है। तो अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक फिल्म एक्शन फिल्म जो है वो भी कर रहा हूँ, आई मीन टॉक्स फॉर एन एक्शन फिल्म, मे बी इट विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल जो है वो फिल्म शुरू होगी। सभी लोगों को पता है फिल्मों के नाम पर अभी रिलीज होने वाली है खेल खेल में, उसके बाद यहाँ पर संदीप केवलानी की फिल्म है स्काईफॉल जिसमें वो पहरिया हीरो है जो अंबानी की शादी में उद्यम मचाया था पूरा, ओके तो अक्षय कुमार का कितना रोल है जब फिल्म नजदीक आएगी तो पता चलेगा। उसके बाद गाइस बिगेस्ट फिल्म अक्षय कुमार इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो चलेगी नहीं चलेगी अलग बात है, इस शंकरन धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बहुत जबरदस्त फिल्म है वो भी है। सारे के सारे बटेर सीक्वल जो है वो सब कुछ है गाइस यहाँ पर, अलॉन्ग विद अ हॉरर फिल्म बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक विद नन अदर देन प्रियदर्शन। तो अक्षय कुमार का बहुत सारा काम है, मेन फैक्टर ये है कि अभी वो सीक्वल्स जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है फ्रेंचाइजी सिनेमा के बारे में कि यहाँ पर पब्लिक जो है वो अभी फ्रेंचाइजीज देखना पसंद कर रही है, इसीलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ।
जो भी पब्लिक को बोलना है बोलो, वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम आई वोंट गिव अप डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। अक्षय कुमार ने कहा है पब्लिक को जो बोलना है बोलने दो, मैं अलग सिनेमा हमेशा करते रहूंगा, इवन एट टाइम्स आई वॉन्ट टू गिव द ऑडियंसिस वॉट आई फील दे वॉन्ट, वेदर आई सक्सीड और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दैट वुडंट स्टॉप मी टू डू डिफरेंट स्टफ ऑफ मूवी। सो गाइस अक्षय कुमार ने यह भी कहा है कि कॉमेडी जो है वो जॉनर हमेशा रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, एंड कॉमेडी ऑलवेज वर्क्स। तो गाइस अक्षय कुमार ने यहाँ पर उनकी चार बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो वेलकम टू द जंगल का सीक्वल हो, जॉली एलबी का सीक्वल हो, हाउसफुल 5 का सीक्वल हो, या फिर हेरा फेरी 3 का सीक्वल हो, उसके बारे में बढ़ चढ़ कर बात की है। यानी कि अगले साल शॉर्ट शॉर्ट अक्षय कुमार का नंबर जो है वो डेफिनेटली लगेगा। हम देख रहे हैं किस तरह से अजय देवगन हैज जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन ऑफ द सीक्वल्स एंड द रीमेक्स। ही इज गॉट रेड 2, ही इज गॉट सन ऑफ सरदार 2, ही इज गॉट दृश्यम 3, ही इज गॉट ऑल काइंड ऑफ सीक्वल्स, दे दे प्यार दे 2 एंड सिंगम 3। तो गाइस अजय देवगन की तरह अक्षय कुमार भी अभी जो सीक्वल फॉर्मूला है इसके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि गाइस श्योर शॉट फॉर्मूला है कि फिल्म चलने ही चलने वाली है, क्योंकि जब ओरिजिनल फिल्में नहीं चल रही है गाइस आपकी, तब सीक्वल्स का सहारा यहाँ पर जरूर डेफिनेटली मदद करेगा। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपसे पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार हो रहा है कि खेल खेल में की फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग है, जिस तरह से वेदा की हुई है एंड स्त्री की हुई है, कब शुरू हो, क्योंकि गाइस अभी दिन बहुत कम बचे हैं, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, जस्ट 4 डेज टू गो। लेट्स सी गाइस इस बार ओपनिंग किस तरह से रहती है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।